आज हम विश्व की प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। किसी प्रदेश में स्वतः तथा निरंतर उगने और बढ़ने वाले सभी प्रकार के पादपों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वृक्ष, पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। मानव सहित सभी प्राणियों को प्राणवायु यानी ऑक्सीजन जो है वो पेड़ पौधे ही प्रदान करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति मानव के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति के विकास में जलवायु, मिट्टी का सर्वाधिक योगदान रहता है। यानी दो फैक्टर जो हैं वो प्राकृतिक वनस्पति के विकास के लिए, बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है जलवायु और मिट्टी। एशिया के विभिन्न भागों में जो जलवायु के विभिन्न तत्व हैं, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, धूप की मात्रा, मृदा के प्रकार आदि अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं। इसी आधार पर जो वनस्पति है वो अलग अलग प्रकार की या विविधता लिए हुए पाई जाती है। प्रायः समान प्रकार की जो वनस्पति है उनको उगने और बढ़ने के लिए समान पर्यावरणीय दशाएं भी आवश्यक होती है। इसलिए इस आधार पर यानी प्राकृतिक वनस्पतियों का जो मौलिक वर्गीकरण है, पौध समुदाय, प्लांट कम्युनिटी, उसके आधार पर हम प्राकृतिक वनस्पति को निम्न प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है फॉरेस्ट यानी वन। वन जो है, वनों के अंतर्गत हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन, शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, ये शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुल यानी कॉनिकल वन, ये वनों के अंतर्गत हम करेंगे। जो दूसरा है वो है ग्रासलैंड्स, घास के क्षेत्र। फिर तीसरा है मरुस्थलीय वनस्पति, डेजर्ट वनस्पति, और चौथा है टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा प्रकार के जो वेजिटेशन है उनको हम सम्मिलित करेंगे। अब जो पहला है वन, वनों के अंतर्गत जैसा कि मैंने कहा कि भूतल के किसी विस्तृत क्षेत्र पर वृक्षों से ढकी हुई भूमि, वृक्षों के समूहों को वन कहा जाता है। वन में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, प्राकृतिक हो चाहे मानव द्वारा पौधारोपण किया गया हो, वे सभी वृक्षों की श्रेणी में आते हैं, और जो लंबे और परिपक्व और सघन होते हैं। यानी वृक्ष जो होते हैं वो लंबे, परिपक्व और सघन होते हैं। वृक्षों के विकास के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी पानी की आवश्यकता होती है। किसी तरह अगर आप लगाओगे, वन में जाकर लगाओगे तो वन पानी पिलाएगा, तो उसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से वन प्राय उन प्रदेश पाए जाते हैं जहां वर्षा आएगी। अतः वाष्पीकरण कम होने से नमी में ह्रास, नमी मतलब कम होती है, ह्रास कम होता है, नुकसान कम होता है। शीतोष्ण कटिबंध में वर्षा अपेक्षाकृत कम होने से वाष्पीकरण भी कम होता है, वह वनों का विकास अधिक होता है। वनों के विकास के लिए उच्च तापमान, अधिक वर्षा, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, उपजाऊ मिट्टी, इन सबों की आवश्यकता होती है। आज हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो कटिबंधीय वर्षावन है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण मध्य रेखीय वन कहा जाता है। ये वन जो है चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी होते हैं, और
मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। और मलाया, इंडोनेशिया, न्यूगिनी, श्रीलंका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनकी जो हैं चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और अपनी पत्तियाँ जो हैं वो बार बार गिराते नहीं हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। भूमध्य रेखीय वर्षा वन अत्यंत सघन होते हैं। सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए पेड़ों में होड़ लगी रहती है, यानी एक बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं जिन वृक्षों की लंबाई 60 से 80 मीटर तक लंबाई पाई जाती है, सूर्य की रोशनी ताकि उन तक पहुंच सके, इसलिए वो। और जो इनके शिखर होते हैं वो छतरीनुमा होते हैं, यानी फैले हुए होते हैं, और वृक्षों के नीचे प्रायः अंधकार रहता है। भूमध्य रेखीय वनों में महोगनी, सिनकोना, रबर, एबोनी, गटापार्चा, रोडवुड, ताड़, बांस, बैंत, एजुल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी कठोर होती है और प्रायः जो भूमध्य रेखीय वन है वहाँ पर यातायात के साधनों का अभाव और वनों की सघनता के कारण इनमें प्रवेश करने में कठिनाई होती है, इसीलिए ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जलवायु में विषमता पाई जाती है और अनुपयुक्तता के कारण इन वनों का आर्थिक प्रयोग अधिक नहीं हो पा रहा है। दूसरे प्रकार के जो वन हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले और चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन हैं, जो कि 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी भागों में, यानी महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, एशिया में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दक्षिणी चीन आदि में मिलते हैं। इन वनों में उगने वाले जो वृक्ष हैं वो है साल, सागवान, बांस, आम, जामुन, नीम, पीपल, बरगद, गूलर, महोगनी, देवदार, नारियल आदि हैं। और ये वृक्ष जो हैं वो शीत ऋतु में के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और बसंत ऋतु के आगमन में ये वापस से पर्णपाती हो जाते हैं, इन पे आ जाती हैं। इन वनों में वर्षा की मात्रा है 50 से 100 सेंटीमीटर। वहाँ पर, मतलब जहाँ पर भी 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है वहाँ पर खेजड़ा, बबूल, खैर, हरड़, बहेड़ा, मोटी घास आदि का विकास होता है। और ये जो वन है इनकी जो लकड़ियाँ हैं वो भवनों के दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाने के काम में ली जाती है, फर्नीचर आदि बनाने के काम में ली जाती है। और जो ये वृक्ष हैं, जैसे मैंने कहा बबूल, और ये सारे जो हैं इनकी लकड़ियाँ जो हैं वो ईंधन के रूप में काम में ली जाती हैं। कल हम, ये है उष्णकटिबंधीय वन, कल हम शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का अध्ययन करेंगे।